सर के जो नंबर दिया सर। शब बारात और होली पर्व पर सभी से शांति बनाए रखने की अपील के साथ एडीजी राजीव सब्रवाल, आईजी प्रवीण कुमार ने हापुड़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र में गश्त की और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए अधिकारी ने पुलिस बल को निर्देश दिए। गश्त से पहले पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सावधान, देखिए यहाँ से हम लोग सराफा चलेंगे, पहले अंदर पुराना बाजार और सराफा होते हुए, और सराफा से पक्का बाग चंडी देवी मंदिर होते हुए और वापस अतरपुरा, अतरपुरा से फ्रीगंज, फ्रीगंज से तहसील चौराहे तक, ये रूट हमारा रहेगा। और उद्देश्य है होली और शबे बारात का त्यौहार के उपलक्ष्य में विश्वास कायमी, और इस दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर कोई दोपहिया वाहन पर कोई तीन सवारी दिखता है उसको रोकना है, नवयुवकों को, और चेक करना है। साथ ही अगर कहीं कोई अवांछनीय वस्तु या व्यक्ति दिखता है उसको फोटो कॉपी करेंगे, उसको रोक के चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपको बता दें कि शुक्रवार को एडीजी राजीव सब्रवाल, आईजी प्रवीण कुमार हापुड़ की बुलंदशहर रोड पर स्थित जदीद चौकी पहुंचे। यहां से जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार मिश्र, क्षेत्राधिकारी हापुड़ अशोक सिसोदिया, हापुड़ SDM सुनीता सिंह, हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे ने पुलिस बल के साथ हापुड़ के पीरबाउद्दीन, पुराना बाजार, सर्राफा बाजार, चंडी रोड, पक्का बाग, अतरपुरा चौपला, रेलवे रोड, तहसील चौपला आदि क्षेत्रों में पैदल गश्त की। इस दौरान अधिकारियों ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की।